सुना है सारे रोल आपने किए हैं। इसने बहुत बस क्रिएट किया जब हम पहली बार आए। सफर पार भी बहुत से लोगों को लगा कि शायद बायोपिक बनने जा रही है शाहरुख खान साहब पे। उस अंदाज में कोई एक डायलॉग हो जाए फिल्म सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मोशन टेरेस अबाउट ये क्या आपने नाम रखा है, सुना है सारे रोल आपने किए हैं। हाँ जी, ये बड़ा इत्तेफाक है कि किसी भी एक्टर के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है कि जब उसको एक ही प्रोजेक्ट में पांच से ज्यादा या एक से भी ज्यादा किरदार करने का मौका मिलता है। तो अब तक मेरे ख्याल में डुप्लीकेट तक तो बात चलती थी, तीन किरदार भी शायद ही मैंने देखे हूँ, लेकिन हाँ इसमें हम पांच किरदार कर रहे हैं। और इसका अछूता जो नाम है मैं शाहरुख खान हूँ, ये मेरे ख्याल में इसने बहुत बस क्रिएट किया जब हम पहली बार आए इंडिया में भी। सफर पार भी बहुत से लोगों को लगा कि शायद बायोपिक बनने जा रही है शाहरुख खान साहब पे, ऑल्दो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतदान हूँ, और आई विश कि मैं उनकी बायोपिक में होता, लेकिन ये उनकी बायोपिक नहीं है, ये उनके एक फैन के हवाले से है। क्योंकि शाहरुख खान साहब एक कैफियत का नाम है जो कि हर उनके बाद के हीरा के हर एक्टर पे तारी रहे, और फिर उन्होंने किस तरह से उस शख्स की अपनी शनाख्त को ओवरशैडो हो गए उसके ऊपर, यू नो उसको मध्यम करके और उस पे तारी हो गए, और कैसे उसका अपना करियर, उसकी अपनी शनाख्त, उसके अपने घर वालों की शनाख्त हो गई। तो इस हवाले से ये एक फिल्म सही ट्रू। अच्छा मोसेस, में आपने बकायदा शाहरुख खान की एक्टिंग भी की है ना, उनका एक फेमस डायलॉग जो उनका अंदाज है किरण का, उस अंदाज में आपने काफी सारे डायलॉग्स भी बोले हैं, और ये आपके लिए एक बहुत ही एक चैलेंजिंग हुआ कि आपने आपको प्रूफ करना प्रॉपर तरीके से कि सबकी नजर आप पे होगी इस पर कैसे आप उनको एनैक्ट करते हैं। तो उस अंदाज में कोई एक डायलॉग हो जाए फेमस, तुम्हें क्या लगता है नहीं है बायोपिक नहीं है। बेसिकली इट्स नॉट अ बायोपिक। ये सबसे बड़ा एक बहस चल रही थी सोशल मीडिया पे कि ये बायोपिक करने जा रहे हैं और वो मोहसिन अब्बास है तो शाहरुख खान की तरह दिखते नहीं है और ये वो। सो इट्स नॉट अ बायोपिक, आप पहले प्लीज देख लिया करें किसी चीज को, उसके बाद उस पर राय कायम करें। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक जितना भी हमें रिस्पॉन्स आया है वो बड़ा ओवरवेलमिंग है, और क्रिटिकली हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इंडस्ट्री के बहुत से सीनियर एक्टर्स जो हैं उन्होंने तारीफी कलमात भेजे, वॉइस नोट भेजे, एंड आई फील सो ऑनर्ड। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।